好。सुनो तुम आ जाओ चप्पल सब लोग ऊपर कर दीजिए। बोलो चप्पल ऊपर रखे हैं। ये चक्र नैमि सारण्य अष्टा वैकुंठ भगवान विष्णु के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ऋषि मुनियों को स्थान बताने के लिए, तपोभूमि बताने के लिए नैमि सारण्य में ऋषि मुनि लोग बिराजे। यहीं पर ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा उस चक्र को उत्पन्न किया, वो यहाँ पे क्षीण हुआ। बोलिए बोलिए। तपोभूमि नैमि सारण्य में तुम चले जाओ। तपोभूमि में जाने के लिए स्थान यहाँ चुना नैमि सारण्य। यहाँ पे सत्यनारायण की कथा एक कथा नैमि सारण्य ऋषि सवन का दिया पर पक्षी मुनियम सूतम प्राम खड़ी, वो नैमि सारण्य है। चक्रतीर्थ महिमा इसी की बहुत बड़ी। यहीं पे मनु सतरूपा ने 30,000 तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में वरदान मिला। यहीं पर राज दधीच जी ने अपना अस्थियों का दान दिया धर्म के लिए। ये चक्रतीर्थ की महिमा। जय 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 तीर्थ जय तीर्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धालु भक्त जो है स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर आचमन की महिमा बहुत है, बहुत बड़ी है। आचमन दरस परस मुख मंजन पाना और पितृ पक्ष में जो है पितरों का पिंडदान करने का महत्व, पिंडदान करने का बहुत बड़ा महत्व, बहुत ज़्यादा ही महत्व है नैमि शरण जैसी पावन भूमि पर। शास्त्र ऐसा बताते हैं कि पिंडदान करने से जो है, पिंडदान करने से जो है अपने जो पितृ लोग होते हैं उन पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है। जब उनकी आत्मा की तृप्ति होती है, जिस प्रकार से मनुष्य भूखा होता है उसको अगर भोजन मिल जाए तो उसको शांति मिल जाती है, उस प्रकार से पितरों को शांति मिल जाती है। जब शांति मिल जाती है तो पितरों लोग क्या करते हैं कि अपने वंश परिवार को हरा भरा और उन्नतशील बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर महत्व के द्वारा देवी प्रसाद के द्वारा और 33.5 करोड़ यहाँ पर हर समय मौजूद है। यहाँ पर भगवान शिव का साक्षात निवास माना गया है। यहाँ के हृदय लिंगधारिणी माँ ललिता देवी आज शक्ति माता जगदंबिका यहाँ पे विराजमान है। इधर में पीछे में आपके भूतेश्वरनाथ महादेव विराजमान है, पीछे में आपके बद्री विशाल जी विराजमान है और आपके जस्ट पूरब साइड में जो है ईशानकोण में आपके सूर्य जी की गद्दी है जहाँ पे सत्यनारायण कथा लिखी गई है। एक रानी विशाल शिवशन का या क्या कुछ मुझे सर्वे प्राय दुख ऐसा यहाँ का महत्व है। 88,000 ऋषियों के द्वारा ये सृष्टि का केंद्र है। यहाँ पे निरंतर 1,000 वर्ष सत्य चला है। जिस प्रकार से ये राज्यपाल और ये सब बनते हैं मंत्री वगैरह, इस प्रकार से यहाँ पे 1,000 वर्ष निरंतर सत्र चला है। उसके मेन अध्यक्ष जो रहे हैं वो सूर्य जी हमारे रहे हैं। सूर्य जी के द्वारा यहाँ पे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का लेख किया गया है। ये जो आप केंद्र में देख रहे हैं जी, ये 6.5 पाताल जी की गहराई वाला कुंड है जी। 6.5 पाताल गहरा है और इसके अंदर एक लड़ी के पहिए के आकार का इसके अंदर एक कुआँ और है बीचों बीच में, जिसका कोई पता नहीं है कितना था। और इसको माना जाता है ये सारे विश्व का केंद्र है, केंद्र है सृष्टि का केंद्र है और ये सृष्टि और पहले दोनों का ही केंद्र है। और यहीं पर जो है भगवान विष्णु जी का चक्र गिरा था जी, जो 6.5 पाताल तक जो है भेद गया था। उसके बाद में आसक्ति माँ ललिता देवी ने उसको अपने दाहिने हाथ से उसकी शिखा को रोक लिया था। अगर और आधा वो भेद देते तो प्रलय आ जाती है। प्रलय हो जाती है। तो नैमि शरण की ये महिमा है कि सभी तीर्थों में ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसकी ज्ञान जानचित मानस में देते तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुण्यत साधक से जाता। तीर्थों में ये वर है, तीर्थों में वर है। जिस प्रकार से पृथ्वी पे कितने भी तीर्थ हों लेकिन अति पुण्यत कोई तीर्थ नहीं माना गया, ये अति पुण्यत माना गया है। अति पुण्यत श्रीमद् भागवतम में भी इसका महत्व है जी। जो 3rd श्लोक में जो है सारे ऋषि मुनि यहाँ पर बोला तो उसमें 1000 वर्षों तक ऋषि मुनि ने तपस्या करने के उपरांत जो है यहाँ पर यज्ञ किया था। और यहाँ की और महिमा है सूत गोस्वामी ने,
विष्णु स्वामी ने यहाँ पे 17 तथा 88,000 ऋषियों को सोनका ऋषि के समक्ष जो है जी 88,000 ऋषि मुनियों के समक्ष जो है जी कही थी जी। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण आदि शास्त्रों, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम करने का विशेष महत्व, विशेष महत्व। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय।